कहीं आपका व्हाट्सएप भी हैक तो नहीं है? आपका व्हाट्सएप हैक हो सकता है आपका व्हाट्सएप हैक हो सकता है अगर मेरी बताई हुई ये सेटिंग आप नहीं करते हो, तो आपने कैसे चेक करना है? तुझे अक्कल है? तू क्या बोल रही है? आपका व्हाट्सएप हैक है या नहीं है किसी को भी पता चल सकती है जो हमारी सिक्योरिटी जानना चाहता है। तो इसके लिए मैं आपको तीन तरीके बताने वाला हूं जिससे आप चेक कर सकते हो कि आपका व्हाट्सएप हैक है, और एक तरीका बताऊंगा जिसके तरीके से आप सबर करो आप अपने व्हाट्सएप हैक होने से रोक सकते हो। सकता इसके लिए सिंपल फर्स्ट तरीका क्या है, हम कैसे चेक कर सकते हैं हमारा व्हाट्सएप हैक है या नहीं है? इसके लिए आपने ऊपर थ्री डॉट पे जाना है, अपने व्हाट्सएप खोल लेना है, थ्री डॉट पे जाना है जहाँ पे थर्ड नंबर पे लिंक्ड डिवाइस रहता है। आप जैसे इस पर क्लिक करोगे तो जहाँ पे जहाँ नीचे दिखाया गया विंडोज नो का ऑप्शन दिखाया गया है नीचे, तो मेरा व्हाट्सएप हैक है। हैक क्या है जी, मैंने अपने विंडो पे अपने व्हाट्सएप को चलाया हुआ है इस वजह से ऐसा आ रहा है। जहाँ से अगर आपके फ़ोन में भी ऐसा आ रहा है तो जहाँ से आप इसको क्लिक करिए और जहाँ से लॉग आउट कर दीजिए। जैसे आप लॉग आउट कर दोगे तो जहाँ मेरा व्हाट्सएप किसी ने भी कहीं भी लिंक नहीं किया हुआ, तो एक इसका तरीका तो हो गया ये। और दूसरा तरीका ये है, इसके लिए आपने ऊपर थ्री डॉट पे जाना है और सेटिंग पे जाना है। सेटिंग पे जाने के बाद जहाँ सेकंड ऑप्शन रहता है चैट का, जैसे हम चैट के क्लिक करेंगे तो जहाँ थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो चैट बैकअप का एक ऑप्शन रहता है। चैट बैकअप पे ऑप्शन पे जैसे हम क्लिक करते हैं, जहाँ गूगल अकाउंट ऑप्शन रहता है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये इतनी आईडी मेरी इस पर लगी हुई है जो कि मेरी खुद की आईडी है। तो अगर आपके आपके फ़ोन में भी ऐसी आईडी है जो आपकी आईडी नहीं है, दूसरी आईडी लगी हुई है, तो यहाँ से आपको इजीली गैस हो जाएगा भी आपका व्हाट्सएप किसी ने हैक कर रखा है। अगर आपको यहाँ लगता है भी कोई दूसरी आईडी है तो आप उसको रिमूव कर दीजिए। आप कैसे रिमूव करोगे, इसलिए आपने सिंपली सेटिंग पे जाना है अपने फ़ोन की। आपके पास जिस मर्जी कंपनी का फ़ोन है आपने उसकी सेटिंग पे चले जाना है। सेटिंग पे जाने के बाद थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे जहाँ एक गूगल का ऑप्शन रहता है, गूगल के ऑप्शन के नीचे आप थोड़ा और देखोगे तो अकाउंट एंड सिंक का एक ऑप्शन रहता है। इस पर क्लिक करने के बाद जहाँ पे आपने गूगल पे क्लिक कर देना, जैसे गूगल पे क्लिक करोगे तो जो आईडी आपके फ़ोन पे लगी हुई है, जो आपकी आईडी नहीं है दूसरी आईडी लगी हुई है, सिंपली आपने उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद जहाँ एक नीचे मोर का ऑप्शन रहता है इस पर क्लिक करेंगे तो रिमूव अकाउंट कर देंगे, तो इससे आपका जो भी आईडी आपकी अनऑथराइज आईडी है, जो आपकी आईडी नहीं है, उसको आप यहाँ से रिमूव कर दीजिए। ये तो ऑप्शन हो गए जहाँ से हम चेक कर सकते हैं हमारा व्हाट्सएप हैक है या नहीं है। और तीसरा ऑप्शन है जो मैं आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, इसके लिए आपने क्या करना है, जहाँ पे आपने थ्री स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन करके रखना है। जो कैसे करना है, आपने थ्री डॉट पे जाना है, जहाँ पे आपने क्या करना है, सेटिंग पे जाना है। जैसे हम सेटिंग पे चले गए हैं तो जहाँ पे आपने अकाउंट पे चले जाना है, अकाउंट पे चले जाना है जहाँ पे आप टू स्टेप वेरिफिकेशन को ओके कर देना है। तो जहाँ पे आपने इसको इनेबल करना है, जैसे अनेबल करेंगे तो जहाँ पे आपको एक पासवर्ड पूछेगा, जो आप अपनी मर्जी से पासवर्ड सेट करोगे जो सिर्फ आपको ही पता होगा, किसी थर्ड पर्सन को इसका पता नहीं होगा। तो जहाँ पे मैं एक सिंपल पासवर्ड जहाँ पे दे देता हूँ, आप कोई भी अपने मनपसंद का पासवर्ड जहाँ सेलेक्ट करके रखो जो सिर्फ आपको पता होगा। जहाँ पे मैं कन्फर्म कर देता हूँ, कन्फर्म करने के बाद जहाँ पे आप अपनी ईमेल आईडी दे दीजिए। कई बार आप पासवर्ड भूल जाओ तो ईमेल आईडी के थ्रू आप इसको रिकवर कर देते हो। जहाँ फिलहाल मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, जैसे हम इसको स्किप कर देंगे तो अप्लाई सेटिंग पे हो जाएगा। तो जहाँ पे डन हो गया, अगर कोई भी हमारा जहाँ पे कोई भी जो हमारा व्हाट्सएप हैक करना चाहेगा तो जहाँ पे लिंक्ड डिवाइस पे जाके अपना मतलब के जहाँ पे पासवर्ड मांगेगा, जहाँ पे आप पासवर्ड भरोगे तभी आपका व्हाट्सएप ओपन होगा। उम्मीद करना फ्रेंड, ये आपके बहुत काम की नॉलेज थी जो आपके साथ मैं शेयर करना चाहता था, आपको बहुत पसंद आई है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं अगली एक और इंटरेस्टिंग वीडियो।